हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो बात कर रहे थे एक्टोकार्पस की, और एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन ने लास्ट वीडियो में बात की कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो पर अलग अलग प्रकार की गैमिट के द्वारा होता है, और गैमिट का जो फॉर्मेशन है वो गैमिटेंजिया के द्वारा युग्मक दानियों के द्वारा होता है, और ये युग्मक दानियां जो बनती है वो लगभग प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में बनती है। तो यहां अब अपन बात कर रहे हैं इसमें एक्टोकार्पस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब हुआ? पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पीढ़ी एकांतरण जो है ये आपके परीक्षा में जो है या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पूछते हैं उसमें आता है, या अलग से भी जो दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पीढ़ी एकांतरण जो है इसका स्पोरोफिटिक थैलस यानी किस प्रकार से इसमें स्पोरोफिटिक जो थैलस होगा वो क्या होगा, 2x या 2mb गुणित होता है। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनती है, प्लूरी लोक्यूलर स्पोरेंजिया। ये भी जो है द्विगुणित या 2n होती है, और इससे जो है प्लूरी लोक्यूलर स्पोरेंजिया से जू स्पोर का फॉर्मेशन, ये जो जू स्पोर होते हैं वो भी क्या हो गए, द्विगुणित होते हैं, और इनसे जू स्पोर के जर्मिनेशन से जो है स्पोरोफाइट का या स्पोरोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोरोफिटिक थैलस द्विगुणित, इस स्पोरोफिटिक थैलस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया या बहुकोष्ठीय बीजाणु दानियों का निर्माण होगा। इन बहुकोष्ठीय बीजाणु धानियों से जो है जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जू स्पोर के से आगे चल गए यानी जू स्पोर द्विगुणित होगा, 2n होगा, और इस 2n जो जू स्पोर से द्विगुणिती या डिप्लोइडी स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफिटिक थैलस में जो गैमिटेंजिया बनती है उसमें यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से फिर जो है मियोसिस के फलस्वरूप जो है जू स्पोर और जू स्पोर से जो है गैमेटोफिटिक थैलस, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट थैलस जो कि एन होगा, बी एगुणित होगा, इस गैमेटोफाइट जो थैलस है उसमें जो है अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों प्रकार की जो अपन ने बात की एनआईसोगैमी में होगा कि
फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में भी बनेगा जो है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में भी जो है दो अलग अलग प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये स्पोर जो बनते हैं ये हैप्लोइड होंगे और इन हैप्लोइड के फ्यूजन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन के द्वारा जाइगोट, टू एन इस जाइगोट के द्वारा फिर जो है जू स्पोर, यानी यहां क्या होगा माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा जाइगोट में, माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन जिसके फलस्वरूप जो है जू स्पोर, और जू स्पोर भी क्या टू एन या द्विगुणित, और इन द्विगुणित जू स्पोर के जर्मिनेशन से उन्हें जो है स्पोरोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पीडी एकांतरण अपन देखते हैं, तो इसमें इस पीडी एकांतरण में अपन को दो प्रकार की स्टेज जो देखने को मिलती है, एक तरफ तो होगी डिप्लोफेज, ये क्या कहलाएगी डिप्लोफेज, यानी कि इससे ऊपर जो भी है स्टेजेस जो आ रही है, स्पोरोफिटिक थैलस है, यूनिलोक्युलर है और जू स्पोर है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, ये क्या होगी डिप्लोइड होगी। यहाँ फिर जो है मियोसिस इन जू यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से जो लगातार जो स्टेजेस है इनमें क्या होगा हैप्लोइड स्टेजेस होगी। तो ये एक तरफ डिप्लोफेज, एक तरफ हैप्लोफेज, ये दो स्टेजेस चलती है, दो अवस्थाएं चलती है। तो इस प्रकार का जो पीडी एकांतरण जिसमें कि डिप्लोफेज और हैप्लोफेज जो स्टेजेस एक दूसरे के समानांतर हो, तो इसको क्या बोलेंगे आइसोमॉर्फिक पीडी एकांतरण या आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जो है व्यक्तिगत रूप से या कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।